वहाँ क्यों बनाया आपने बताइए? अब आपने उधर जब लूप बना दिया तो उधर की एंट्री तो खत्म हो गई आपकी। जब डबलिंग होगी तो पूरा प्लेटफॉर्म खत्म, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। इसी पे चार सीट मिली पवन गर्ग, तुमसे सीनियर होगा, और बोला 1700 करोड़ का घोटाला हो गया हरियाणा। मंत्री ने चिट्ठी लिखा, तुम्हारे पेपर पर भी आया, जहाँ कोई जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करना चाहिए। और आपका मानिकपुर का एक्सीडेंट जिसमें 12 लोग मरे थे, 36 जगह से रेल टूटा था, 27 ये ट्रैक मेंटेन ही नहीं हो सकता। और भी कहीं किया है क्या? आइलैंड प्लेटफॉर्म। अरे यार, 2001 के पहले तुम पैदा हुए थे क्या? तो 2001 के बाद तुम सर्कुलर नहीं देखोगे? सैंक्शन हुआ तो तुम ही इनिशिएट करने वाले हो ना भैया, तुम ही चीफ इंजीनियर थे ना उस समय। कितने साल चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन रहे? चार साल रहे, तो काफी के टेंडर बना होगा फिर। अरे यार, तो आप चेंज नहीं कर सकते क्या? स्टैंडर्ड लेआउट नहीं बना सकते? आप दो ही लाइन बनाइए ना, मैं कह रहा हूँ कि बीच में आप गैप छोड़ दीजिए ना दो ट्रैक के लिए। मेरा कुछ नहीं कहना है इसमें, आप दो लाइन के लिए। नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। यह गुस्सा आपने देखा किस तरह से तमुरिया और निर्मली के बीच में, जब CCRS ने निरीक्षण किया तो तमुरिया में चीफ इंजीनियर पर कुछ इस तरह से भड़क गए CCRS शैलेश कुमार पाठक, और उन्होंने सरेआम फटकार लगाई, सरेआम जो है लताड़ लगाई चीफ इंजीनियर को कि आखिर उन्होंने दूसरा और तीसरे नंबर का प्लेटफॉर्म ऐसा क्यों बना दिया जो भविष्य में टूटेगा। और ये भविष्य में इसलिए टूटेगा क्योंकि जब दोहरीकरण की लाइन बिछाई जाएगी तो उस तीसरे नंबर के प्लेटफॉर्म को की ज़रूरत नहीं है, तीसरे नंबर की रेल लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी लाइन बनना था वो बीच में ही बनना था, पहले और दूसरे के बीच में ही बनना था। इसलिए ये फटकार लगाई चीफ इंजीनियर को कि आखिर उन्होंने पुराने लेआउट पर वो क्यों बना दिया इसको। और वो आपको समझा देते हैं कि दिक्कत कहाँ थी। ये देखिए, दो लाइन बनाई गई है जबकि इसमें तीन लाइन बीच में होनी चाहिए थी, एक लाइन बीच में जो तीसरे नंबर पर बनाई गई है वो लाइन इधर ही होनी चाहिए थी, ताकि पहला और दूसरा और बीच में एक लूप लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ये लूप लाइन तीसरे नल लाइन को बना दिया गया है। और इसी पर उनका गुस्सा था, और वो ये था कि ये लाइन जो बीच में होनी चाहिए थी वो तीसरे नंबर की बना दी गई है, तो भविष्य में एंट्री जो है अगर दूसरी दिशा से करनी होगी तो वो नहीं हो पाएगी। इसी बात का गुस्सा उन्होंने दिखाया कि ये आखिर दो लाइन ही क्यों बनाई गई है, इसमें स्पेस बीच में एक तीसरे लाइन का भी छोड़ा जा सकता था, ताकि दोहरीकरण जब हो तो दोहरीकरण की लाइन को इसी तरह से इधर गुजारा जा सके, साथ के साथ मेंटेनेंस भी किया जा सके। देखो, दोहरीकरण जब होगी तो पूरा प्लेटफॉर्म टूटेगा, ये पीछे आएगा, और साथ के साथ वो उधर की जो लाइन है उसको भी बंद कर दिया गया है, लाइन बिछा करके दूसरे प्रवेश द्वार का भी विकल्प बंद कर दिया गया है। तो इसी वजह से उनका गुस्सा था CCRS का कि आखिर ये पुराने स्टैंडर्ड जो लेआउट है उस पर काम क्यों हुआ, नए पर क्यों नहीं हुआ, दोहरीकरण के हिसाब से क्यों नहीं हुआ, और यह बंद क्यों कर दिया गया इस विकल्प को, जो दूसरी दिशा से जो एंट्री का विकल्प होता है उसको क्यों बंद कर दिया गया है, क्योंकि भविष्य में ये ज़रूर टूटेगा। और ये प्लेटफॉर्म जो 600 मीटर में बनाया गया है इतना खर्चा करके, ये चीफ इंजीनियर के अपने जेब से देंगे, क्योंकि इसमें घोटाले की भी बात उन्होंने कही कि हरियाणा में कोई प्रोजेक्ट था जहाँ घोटाला हुआ, 1600-1700 करोड़ का घोटाला, और उसमें चीफ इंजीनियर को चार्जशीट भी दी गई थी, और उसका उन्होंने जिक्र किया, और ये सुनिए क्या कहा उन्होंने। इसी पे चार्जशीट मिली पवन गर्ग, तुमसे सीनियर होगा, और बोला 1700 करोड़ का घोटाला हो गया हरियाणा। मंत्री ने चिट्ठी लिखा, तुम्हारे पेपर पर भी आया, जहाँ कोई जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करना चाहिए। और आपका मानिकपुर का एक्सीडेंट जिसमें 12 लोग मरे थे, 36 जगह से रेल टूटा था, 27 ये ट्रैक मेंटेन ही नहीं हो सकता। और भी कहीं किया है क्या? आइलैंड प्लेटफॉर्म। अरे यार, 2001 के पहले तुम पैदा हुए थे क्या? तो 2001 के बाद तुम सर्कुलर नहीं देखोगे? सैंक्शन हुआ तो तुम ही इनिशिएट करने वाले हो ना भैया, तुम ही चीफ इंजीनियर थे ना उस समय। कितने साल चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन रहे? 4 साल। 4 साल रहे, तो काफी के टेन्योर बना होगा फिर।
अरे यार, तो आप चेंज नहीं कर सकते क्या? स्टैंडर्ड लेआउट नहीं बना सकते? आप दो ही लाइन बनाइए ना। मैं कह रहा हूँ कि बीच में आप गैप छोड़ दीजिए ना दो ट्रैक के लिए। मेरा कुछ नहीं कहना है इसमें, आप दो लाइन के लिए आप तो सुना अपने CCRS कह रहे हैं कि दो लाइन ही बनाते लेकिन स्पेस छोड़ देते, और स्पेस नहीं छोड़ने के कारण ये प्लेटफॉर्म टूटेगा, दूसरे और तीसरे नंबर का प्लेटफॉर्म भविष्य में, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का DFC एक तरह से कह सकते हैं, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। यहाँ से जो है नॉर्थ ईस्ट की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी और फास्ट रफ्तार से गुजरेंगी, इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ दोहरीकरण की बहुत संभावनाएँ हैं। इसलिए ट्रैक मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर बीच में ही तीनों लाइन देनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ दो लाइन दी गई है। और भविष्य में ये समस्या आएगी कि जो फास्ट जो ट्रेनें चलेंगी, जिनको जो है दोहरीकरण के ज़रिए गुजारा जाएगा, नॉन स्टॉप अगर वो चलेंगी तो समस्याएं आएंगी, क्योंकि तीसरे नंबर के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्हें इस तरीके से गुजारा नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा और सुबह से बिहार पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।